sometimes, you know what? Girls love glitter, especially glitter eyeshadows. लड़कियों को मतलब glitter eyeshadows बहुत अच्छी लगती है, especially अगर पार्टी हो या वेडिंग हो या कुछ भी ओकेजन हो तो उन्हें ग्लिटर आई शेडोज चाहिए ही चाहिए. लाइक पूरा हो जाता है ना लुक, एकदम मैट हो जाएगी हर वक्त के लिए. मैट तो ठीक है लेकिन ओकेजन वाइज आप थोड़ा ग्लिटर आई शेडोज लगाएंगे तो यू विल ग्लो. अच्छा एक फिनिशिंग आता है आपका मेकअप पे, दैट्स वाई. बट यू नो वॉट, प्रेस ग्लिटर आई शेडोज आर सो एक्सपेंसिव that we can't afford sometimes. That's why. So what we do is we use those loose glitters on top of Vaseline. हम लोग Vaseline लगा लेते हैं और फिर हम loose glitters लगाते हैं. लेकिन sometimes it may cause irritate. Sorry, sometimes it may irritate your eyes, which is not good. And but that doesn't work great. I will not say that. हाँ वो work तो करती है लेकिन कभी कभी अगर आंखों के अंदर चला जाए तो वो ठीक नहीं होता है, आँखों को प्रॉब्लम हो जाती है. सो हियर आर थ्री प्रोडक्ट्स फॉर यू माई लवली व्यूअर्स, एंड दीज आर ओनली फॉर यू. दीज आर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. दिस इज वेट एंड वाइल्ड प्रेस ग्लिटर आई शेडोज एंड दे आर अंडर ₹140 ईच. कैन यू जस्ट इमेजिन गाइज, लाइक आप बहुत अच्छा ब्रांड का मिल रहा है एंड दे आर सो प्रेस ग्लिटर्स, दे आर सो सो चीप. Just under ₹140 single. And yeah, so let's get started. But before starting this video, hi my friends, welcome to my channel. Hope you all are doing good. Today I want to share with you Wet n Wild Pressed Glitter Eyeshadows and they are under ₹140 each. So come, let's get started. So my first shade is this one. This is by Wet n Wild and this is, first of all let me tell you, this is cruelty free. Ye cruelty free hai, which is great. Like they are not tested on animals and the shade is Groupie. This is a pink, hot pink color. This is pressed glitter and yahan par bahut kuch description tha lekin maine wo hata di and that's why it's sticky. Kyunki mujhe wo hatana pada, aisa इसका पैकेजिंग था, आप लोग देख सकते हो ऐसा इसका पैकेजिंग था कि मैं ये खोल नहीं पा रही थी, सीजर से भी कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ये तीनों का ही आउट करना पड़ा. उसमें सब कुछ था, डिटेल्स था. आप लोग खरीदोगे तो जानोगे. ओह माय गॉड, मेरा नेल्स ही ना टूट जाए. ओके, सो दिस इज द कलर. सी, दिस इज सो प्रिटी. And they are so soft. They are not harsh on your eyes. They are really, really soft. मैं आपका swatches भी दिखा दूँगी हाथों पे. And next shade is brass. This is a golden, bronzy golden color. ये तो ideal है. मतलब आप कोई भी Indian dress पहन रहे हो, तो ये एकदम ideal glitter eyeshadow है. साड़ीज के साथ, सूट्स के साथ, कुर्तीज के साथ, लहंगास के साथ बहुत प्रिटी लगेगी ये. आप कट क्रीज भी बना सकते हो इन आई शेडोज के सहारे. यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन कट क्रीज मेकअप विच विल लुक रॉक. ओके, एंड नेक्स्ट इज, ओके दिस इज स्पाइक्ड. दिस इज अ सिल्वर कलर. ये भी बहुत अच्छा है, बहुत फ्लैटरिंग है आई मस्ट से. सो दीज आर द थ्री शेड्स आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम नायका. यू कैन बाय दिस फ्रॉम नायका इफ यू वांट. अमेज़न पे भी अवेलेबल है, आप देख लीजिए कहाँ पर मतलब सस्ती है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्वॉचेस. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आपको मैं एक सजेशन देने वाली हूँ. अभी जब भी आप ये सिंगल आई शेडोज मतलब प्रेस ग्लिटर्स लगा रहे हो, सिर्फ वेट एंड वेल की नहीं किसी भी ब्रांड की, तो आप मेक श्योर के पहले आप बेस बनाओ आई का, ठीक है. और सबसे अच्छा होगा जिस पार्ट में आप ग्लिटर को अप्लाई करने वाले हो, लाइक सेंटर ऑफ द लिड स्पेशली हम लोग करते हैं, या कट क्रीज भी आप बना रहे हो तब तो कंसीलर ही अप्लाई होगा. तो आप क्या करिए, पहले आप इसी बेस कलर का एक आई शेडो लगा लीजिए अपने आंखों पे
जिस जगह पे आप ये आईशैडो लगाना चाहते हो, फिर आप ये लेकर अप्लाई कीजिए तो आपका आईशैडो का लुक बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो वो खाली खाली दिखेगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा। आई गेस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी शो यू। देखिए जस्ट सिंगल स्वाइप में कलर आ गया है और ये बहुत सॉफ्ट है। सी नेक्स्ट इज दिस इज ग्रुपी, दिस इज ब्रास, दिस इज द गोल्डन कलर। नेक्स्ट इज स्पाइक्ड, दिस इज द सिल्वर कलर। अब मैंने इसे सिंगल ही लगाया है, मतलब कोई भी आई शेडो नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, ऐसे ही लगा दिया हाथों पे। अब मैंने यहाँ पर आई शेडोज पहले ही अप्लाई कर लिया था आप लोगों के लिए। अब इसमें पिंक है, सिल्वर भी है और थोड़ा सा मतलब ब्रॉन्जी गोल्डन ऑरेंजिश टाइप ऑफ कलर भी मैंने यहाँ पर लगाया है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने ग्रुपी लिया है, ये पिंक है, ये देखिए देखिए ये बहुत अच्छा लगेगा। इट विल लुक वेरी नाइस ऑन द टॉप ऑफ द आई शेडो एंड दिस इज द सिंगल वन। आप और एक कोट भी चाहे तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लगाएंगे ये स्पाइक्ड, कुछ भी वेजलिन वगैरह की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही लगा सकते हैं आप लोग। सी कोई भी फॉल आउट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज ब्रास विच इज द गोल्डन कलर। वाओ दिस इज सो गॉर्जियस। तीनों की तीनों शेडी काफी अच्छी है और ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। दे रियली रॉकिंग एंड यू मस्ट ट्राई इट गाइज। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप अच्छे ग्लिटर आई शेडोज की तलाश में हो तो आपको ये खरीदनी चाहिए। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा। इनका लुक काफ़ी अच्छा आया है, भर भर के आया है, मतलब एकदम उभार के आया है इसका कलर, क्योंकि यहाँ पर मैंने आई शेडोज लगाया था। आई हैव अप्लाइड आई शेडोज first and then apply this pressed glitters, and these are the only pressed glitters, not eyeshadows. So yeah, that was for today friends. I hope you enjoyed this video, and they cost 135 rupees each. They're so affordable. So har waqt ye out of stock hi rehta hai Nykaa pe, दैट्स वाई, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो, होप आप लोग को वो मिल जाए। सो सी यू सून फ्रेंड्स, स्टे विद सेनर्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।